हाय, वेलकम टू वाइब्रेशन क्लासेस। और हम लोग NCF 2005 के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम देखेंगे NCF 2005 के अंग। तो जो पहला उसका है वो है परिप्रेक्ष्य है, सेकेंड है सीखना का ज्ञान, थर्ड है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, चौथा है आपका विद्यालय का कक्षा, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, पाँचवा है आपका व्यवस्थागत सुधार। तो ये क्या थे, ये आपके NCF 2005 के जो है भाग थे जिनके बारे में NCF 2005 के बारे में बात किया गई थी। अब हम देखेंगे कि NCF 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें सुझाव दिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो आपका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। देखिए, हमारी जो लैंग्वेज होती है, एक हमारी लैंग्वेज वन होती है और एक हमारी क्या होती है, लैंग्वेज टू होती है। आई थिंक आप सब इससे इंट्रोड्यूस होंगे। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है प्राथमिक स्तर पर भाषा का, देखिए हर एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो क्या करता रहता है कि जो उसकी मातृभाषा सबसे ज़्यादा वो किस भाषा से इंट्रोड्यूस रहता है, वो सबसे ज़्यादा क्या किससे इंट्रोड्यूस रहता है, अपनी मातृभाषा से रहता है। उसे मातृभाषा के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वो मातृभाषा के बारे में उसे सिखाया नहीं जाता, बल्कि वो खुद क्या होता है कि अपने परिवेश से उसे सीख के आया हुआ रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए कि जो जब हम उसे चीज़ें उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम क्या है कि हमें हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें ये सिखाया जाएगा कि आप हिंदी में ये पढ़िए। हम हिंदी को जहाँ भी देखेंगे हम तुरंत उसे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, बोल लेंगे। हमारी जितनी भी हमारा जितना भी फंक्शन होगा हम उसे ईजिली कर लेंगे। क्यों ईजिली कर लेंगे, क्योंकि हिंदी हमने हमने जन्म से ही क्या किया है कि इसे अडॉप्ट कर लिया है, हमें कोई विशेष रूप से इसे सिखाया नहीं गया। तो जब हमें इसी भाषा में, हमारे हिंदी की ही भाषा में हमें कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो हम उसे आसानी से सीख लेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है जो इंग्लिश नहीं जानता है और वो स्कूल में गया और पहले दिन ही टीचर ने क्या किया कि उसको इंग्लिश में लगा लेक्चर देने, तो बच्चा क्या होगा कि सबसे पहली बात तो बच्चे को क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, वो उसे स्कूल से जो है एक तरह से उबाऊपन महसूस होगा, बोरियत महसूस होगी और वो क्या पता जाना भी ना पसंद। तो इसलिए NCF ने कहा कि जो पहली हमारी भाषा होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर जो हमारी भाषा होनी चाहिए, वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। सेकंड इन्होंने कहा कि शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि। तो आप जानते हैं हमारे शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से। अब यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाने का मतलब क्या है कि हमेशा बच्चे को आप ऐसी सरल से सरल विधि में पढ़ाइए, जैसे जो बच्चा जान रहा है उसके बारे में तो आप उसे बता रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्या करिए। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को व्याकरण पढ़ाते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रही हूँ, हम बच्चों को एडजेक्टिव, इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं। हम बच्चे को जब एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो हमने कहा कि रीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमने यहाँ पे बताया। हम उसे क्या करेंगे कि एक सेंटेंस के माध्यम से धीरे धीरे क्या करेंगे कि बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर हम उसे क्या करेंगे कि उदाहरण के माध्यम से हम उसे पहले समझाएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसे समझाएंगे, फिर उसको हम उसके रूल के बारे में बताएंगे, वो क्या है, उसके काइंड्स कितने हैं, वो किस तरह से कार्य करता है, इस तरह से बताएंगे। तो NCF ने कहा कि मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे मान लीजिए जियोग्राफी का ही कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो पहले हमने उसे क्या किया कि उसके सामने एक फ्रेम को रखा, बच्चे ने जब उसे देखा, उसे समझा, फिर हमने उस चीज़ को क्या किया कि उसको डेवलप करते हुए हम चले गए। तो उसके बाद जो थर्ड आपका कहता है, NCF सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अब क्या है कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी नॉलेजबल ही हों, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो टीचर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर तनाव मुक्त वातावरण, जो एटमोसफियर होना चाहिए वो पूरी तरह से क्या हो कि जो है तनाव रहित हो। पुस्तकालय में बच्चों की स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर, देखिए बच्चों के पसंद पे उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो पोएट्री पढ़ना चाहते हैं, प्रोज पढ़ना चाहते हैं, ड्रामा पढ़ना चाहते हैं, नावल पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं और किस तरह से पढ़ना चाहते हैं,
जाते हैं, आप उन्हें पूरी तरह से छूट दे दीजिए। फिर ये सजा और पुरस्कार की भावना सीमित रखी जाए। देखिए पहले क्या था, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें यही था कि रट्टा मारिए, नहीं आता था तो बच्चे की फिजिकली हरासमेंट किया जाता था, उन्हें मारा जाता था। लेकिन NCF 2005 कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है आप उसे दंड दीजिए, बट उसे क्या करिए कि दंड को एक सीमित सीमा में रखिए। दंड से आप उस बच्चे को डराइए, उस बच्चे के अंदर एक मोटिवेट, उस दंड के माध्यम से भी आप क्या करिए कि उस बच्चे के अंदर कुछ भी सीखने के लिए उसे मोटिवेट करिए। उसे वो डर से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, जब वो चीज़ डर से सीखेगा, उसे सीखने में इंटरेस्ट आएगा, तो क्या होगा कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू सीखना शुरू कर देगा। फिर है कि बालकों के चौमुखी विकास पर पाठ्यचर्या। तो जो आपका NCF ये ओवरऑल बालक के फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हर एक डेवलपमेंट पे क्या करता है कि NCF आपका कार्य करता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि NCF क्या कहता है। NCF के लिए JP नायक ने कहा था कि उसमें इक्वलिटी होती है, क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है। तो एकदम सही बात है, NCF की इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। आपने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या है कि जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो आप समान रूप से दीजिए। आप उसमें किसी भी तरह का, आपने जब मैंने वहाँ पर NCF में क्या लिखा गया इसके बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी यही चीज़ थी कि NCF समानता की बात करता है। वो आपका परिवेश नहीं देखता है, वो आपका लिंग नहीं देखता है, वो आपका जो है आप किस बैकग्राउंड से आए ये नहीं देखता है। वो क्या देखता है, वो एक एजुकेशन को देखता है कि हर एक बच्चे को, वो चाहे बालक हो या बालिका हो, वो चाहे पिछड़ी स्तर से आए हों, वो उनका बौद्धिक क्या है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है कि NCF क्या करता है कि वो कहता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो प्रत्येक बालक को समान रूप से मिलनी चाहिए। फिर क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी आप बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं वो क्वालिटी देखिए। पहले क्या, अब आज भी क्या है कि NCF एक चीज और कहता है कि आप आजकल के बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे का जितना वेट नहीं रहता उससे ज्यादा वेट उनके बैग का रहता है। तो NCF ये भी कहते हैं कि जो भी चीजें आप पढ़ाइए वो आप क्वालिटेटिव चीज पढ़ाइए, ऐसी चीजें पढ़ाइए जो बच्चे के काम आ सके, उनके ज्ञान को बढ़ा सके। फिर क्वांटिटी की बात हो रही है, आप क्वांटिटी में पढ़ाइए। आपका एक जो है क्लास है, कितने मिनट का क्लास है, आप उसे इंटरेस्टिंग करके पढ़ाइए। आप ये मत करिए कि आप एक घंटे कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, बच्चा बोर हो रहा है, क्या हो रहा है, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन तीनों की बात भी NCF में कही गई है, इक्वलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उसके बाद आता है लर्निंग एंड नॉलेज की बात आती है। तो लर्निंग एंड नॉलेज में भी NCF 2005 यही कहता है कि जो बच्चों की नॉलेज होनी चाहिए वो अच्छे से होनी चाहिए। आप उन्हें जो सिखा रहे हैं वो एक सही वे में सिखा रहे हैं कि नहीं, आप उन्हें जो नॉलेज दे रहे हैं, एक शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि जब वो बच्चे को टीच कर रहा है तो उसे वो हर तरह की नॉलेज दे, जिस विषय में पढ़ा रहा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, जिस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा रहा है, उसके बारे में वो पूरा ओवरऑल खुद भी पढ़ के आए और बच्चे को भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए और बच्चे के ऊपर वो चीज़ बोझ न डाले। मेन जो NCF जो कहना चाहता था कि बच्चों को मुक्त कर दीजिए, बच्चों को बोझ से मत पढ़ाइए। बच्चा मुक्त होके जब पढ़ेगा, स्वच्छंद होके पढ़ेगा, स्वतंत्र होके पढ़ेगा, तो बच्चे के अंदर क्या होगा कि नॉलेज बहुत अच्छे से जो नॉलेज होगी वो बहुत अच्छे से उसे गेन करेगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कैरिकुलर एरिया, स्कूल स्टेज एंड असेसमेंट की बात करेंगे। तो बच्चों का असेसमेंट के लिए भी बात की गई है कि देखिए जो उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जब बच्चे कोई चीज़ करते हैं और अपना खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं, वो असेसमेंट क्या होता है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बट एकदम से आप उन्हें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। एक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर भी क्या करता है कि उसे ऑब्जर्व करता है, वो क्या गलती कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसे ऑब्जर्व करते हैं। और बाद में क्या करता है कि टीचर उन्हें ये बताता है कि आपने यहाँ पर गलती की थी, और उसमें वो सुधार करने के लिए बच्चे को मोटिवेट करता है, और जो कमी रहती है उनको वो दूर करता है। फिर हम वहाँ पे लैंग्वेज की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो NCF था उन्होंने अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में मदर टंग की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में जो लैंग्वेज है वो
तीन तरह की लैंग्वेज थी। एक्चुअली में क्या था कि जैसे हिंदी को मान लीजिए, हिंदी एक लैंग्वेज, एक तो हमारी मदर टंग होती है, दूसरी हमारी हिंदी मीडियम होती है, और तीसरी हमारी ग्लोबल लैंग्वेज होती है। तो जो ग्लोबल लैंग्वेज कह लीजिए, मॉडर्न लैंग्वेज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो जो आपका मदर टंग होता है, जो आपका रीजनल लैंग्वेज होता है, वो तो आपको पता है। जैसे हमारा भी, हमारा हिंदी है, कन्नड़ है, तमिल है, कुछ भी हो सकता है, मराठी है। तो ये सब क्या है, इसमें अब आप अगर मान लीजिए मराठी में बोल रहे हैं तो सब तो नहीं समझ सकते, बहुत लोगों को हो सकता है कि वो उसमें प्रॉब्लम हो। इसीलिए फिर क्या हुआ, फिर हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम भी जैसे आपके साउथ साइड क्या होता है कि थोड़ी बहुत उन्हें बहुत परेशानी होती, इसीलिए इंग्लिश को शामिल किया गया। और इंग्लिश जानते हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो इंग्लिश को इंक्लूड किया गया और इंग्लिश, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा गया। और इंग्लिश इसीलिए जो एनसीएफ था उसने जो है लैंग्वेज को तीनों लैंग्वेज को उसने जो है तीनों लैंग्वेज के बारे में बात की। उन्होंने मदर टंग को भी कहा कि अगर बच्चे मदर टंग, मतलब जो बच्चे अगर जिस एरिया से हैं, अगर वो उनकी और लैंग्वेज सेम है, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज है वो जिनकी जो उनकी मदर टंग है वो सेम है, तो उन्हें आप उसी में टीच करिए। अगर हिंदी मीडियम के हैं, मतलब परेशानी ना हो, भाषा के रूप में कहीं भी आपके शिक्षण विधि में, एजुकेशनल मेथड में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या किया गया कि इन तीनों लैंग्वेज को रखा गया। फिर इसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट्स को भी रखे गए, जैसे मैथमेटिक्स को रखा गया, तो बच्चे को मैथमेटिक्स, बच्चा मैथमेटिक पढ़े, वो मैथमेटिक को भी क्या किया जाए कि इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए, उनमें जो है बहुत सारे चीज़ों को ऐड किया जाए, ताकि क्या हो कि जितने भी उपकरण हो उनके माध्यम से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे इंटरेस्टिंग रूप से सीख सकें, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाए। फिर कंप्यूटर्स, बच्चों को कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को साइंस के बारे में बताना चाहिए, हमारे नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, कैसे कैसे इन्वेंशन होते हैं, उन्हें लेबोरेटरी होती है उसके लिए भी सुविधा उनको देनी चाहिए, वो वहाँ पे भी जाके एक्सपेरिमेंट करें, वहाँ पे वो करके सीखेंगे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाए उन्हें, ताकि वो अपना जो है जो उनके अंदर क्वालिटी है या फिर जो उनके अंदर नॉलेज है उसको हम ऑब्जर्व कर सके, एक टीचर उसे ऑब्जर्व कर सके। आर्ट एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी को भी क्या हो कि एक निखार मिल सके, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट हो सके। हेल्थ एंड फिजिकल लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर देखिए एनसीएफ में इसकी भी बात की गई थी, आपके मैंने कहा कि होल डेवलपमेंट की बात की गई थी, वहाँ पे आपके न्यूट्रिशन की भी बात की गई थी, तो हेल्थ एंड फिजिकल लैंग्वेज के लिए भी कहा गया कि जब बच्चे को, बच्चे के कैरिकुलम में ये शामिल किया जाएगा तो बच्चे उसके लिए अवेयर होंगे, कैसे कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, किस कमी से क्या क्या होता है, बच्चे को साफ सफाई से रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में उससे क्या होगा कि उसे नॉलेज मिलेगा। फिर होगा कि स्टडी ऑफ पीस के बारे में भी, स्टडी ऑफ पीस के बारे में भी उन्हें बताया जाए, उन्हें नैतिक से रिलेटेड बुक्स को पढ़ाया जाए, जितने भी हमारे भारत की महान विभूतियाँ हैं उनके बारे में बताया जाए, वर्क एंड एजुकेशन के बारे में उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें जो है एक तरह से क्या किया जाए कि मोटिवेट किया जाए, उन्हें इंस्पायर किया जाए, उनके अंदर ये चीज़ डाली जाए कि वो इन सारी चीज़ों से क्या हो, इन सारी चीज़ों से खुद को कनेक्ट करें, वो कनेक्ट करके क्या करें कि वो खुद का डेवलपमेंट करें, और एक टीचर के ऑब्जर्वेशन में करें, अगर वो कहीं पे त्रुटि कर रहा है, कहीं पे एरर कर रहा है, कहीं पे मिस्टेक कर रहा है, तो टीचर उसे वहाँ पे क्या करे कि उनके अंदर सुधार करे, उनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो, उनका क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हो, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटरनल रूप से वो स्ट्रांग हो, वो हर सारी न्यूट्रिशन के बारे में जाने। तो एनसीएफ ने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। एनसीएफ का जो मेन पॉइंट था वो रोट मेथड था, कि आप रोट मेथड से मत पढ़ाइए, बच्चे को बंधन में मत रखिए, और क्या था कि उनके ऊपर आप एजुकेशन को एक बोझ की तरह मत डालिए, बल्कि एक फ्रीडम, एक तो आप उन्हें फ्रीडम दीजिए, उन्हें एक फ्री इन्वायरमेंट दीजिए, ताकि बच्चा क्या हो कि अपना कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिएटिविज्म, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। तो ये आपका एनसीएफ था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।